यहाँ पर आज मैं आई हूँ, आने से पहले मुझे रोका जा रहा है। जो मैं पेमेंट मेरे पास थी वो पेमेंट चोरी होगी। मैं पुलिस स्टेशन में गई हूँ 26 को, जब मैं एक शो करके निकली हूँ वहाँ पर मुझ पर अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ जी। मुझे रोका गया कि रास्ते में कि आपने वीडियो नहीं बनानी, अगर आज की बात आप बोली तो हम आपको जान से मार देंगे या आपकी फैमिली को। तो जैसे कि आप, तुमको पता है कि मैं रुकने वाली नहीं हूँ, मैंने अपना मुँह नहीं बंद किया, मैं फिर भी बोलती गई। लेकिन उन्होंने फिर जब देखा कि ये नहीं रुकी, घर जाके दोबारा से मैंने लाइव सेशन किया, उन्होंने मेरे घर में इसको इस घर आए, दरवाज़ा लॉक हुआ। मैंने समझा मेरे साजिद भाई आ गए, मेरे भनोई आए हैं। मैंने दरवाज़ा खोल दिया क्योंकि रात के टाइम पे वो आते हैं। तो जैसे ही वो आए उन्होंने इस पर गन पॉइंट आके से निशाना बनाया, ताकि ये चश्मदीद गवाह थी। फिर मैं चुप हो गई, उन्होंने मेरे पेट में टांगे वगैरह मारी, बहुत ज़्यादा मारा, जिसके बाद तो शदत किया। एक था सैयद मुमताज़ बुखारी जो कि उनके ड्राइवर है, जो कि पार्लियामेंट लॉजिक्स में होते हैं, जे ब्लॉक 305 फ्लैट नंबर है आमिर लियाकत हुसैन का, जो कि हम जहाँ पे हम रहते रहे हैं। तो उन्होंने ये काम किया, इस बच्चे को निशाना बनाया, धमकियाँ दी मुझे, और फिर मुझे बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब होगी। मैंने 15 पे फ़ोन किया तो उन लोगों ने उस टाइम पे टीम नहीं पहुँच पाई, लेकिन उन्होंने कहा कि आप जाएँ हॉस्पिटल जाएँ। जब मैं हॉस्पिटल पहुँची तो वहाँ पर पुलिस मेरे पास आ गई। फिर मैं कभी एक हॉस्पिटल जा रही हूँ, कभी दूसरे हॉस्पिटल जा रही हूँ, कभी तीसरे हॉस्पिटल जा रही हूँ। तो फिर DHQ वालों ने मुझे रेफ़र किया यहाँ पे पिम्स वाले मेडिकल नहीं बनाकर दे रहे। 26 को ये हादसा हुआ, आज कितने दिन हो गए हैं। फेसबुक से सिलसिले का आगाज़ हुआ। फेसबुक से मैं, जैसे कि मैं अपनी पिक्चर्स, मैं एक्टर हूँ, मैं आपको पता है बोल्ड ड्रेसिंग करती हूँ, मैंने वो पिक्चर्स अपलोड की। जैसे जैसे मैं पिक्चर्स अपलोड करती थी और उनके गंदे बेहुदा मैसेज, कभी क्या कभी क्या कभी क्या, आप लोग उनका क्यों नहीं मेडिकल करवाते? अगर मैं पागल साइको हूँ तो वो क्या है? मुझे तो इस टाइम वो पागल साइको नज़र आ रहे हैं, मैं तो बिल्कुल नॉर्मल हूँ। अगर शादी की है तो शादी करके कोई ये नहीं करता, अपने हेल्थ अपने ड्राइवर को ये नहीं बोलता कि जाओ जाके मेरी बीवी पे जुल्म करो। मेरी कोई कहीं कोई मेरी बात सुन नहीं रहा, मेरी पुलिस स्टेशन वाले नहीं सुन रहे। उन्होंने वादे ये किए थे कि मैं, मेरी हुकूमत का टाइम पूरा हो जाएगा तो फिर मैं अनाउंस करूँगा 2 साल बाद। सैयद मुमताज़ बुखारी और सैयदा तुबा आमिर, तो एक तुबा नामी लड़की है जो उनकी, अब पहले उनकी वाइफ नहीं थी, जब मुझे उन्होंने अपने निकाह में कबूल किया था तब कोई भी नहीं था, तो अब वो आ गई हैं। मैं भी कलमा पढ़ के कहती हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं उनकी वाइफ हूँ। वो भी कलमा पढ़ कर आके मीडिया में कहें कि वो मुझे नहीं जानते, वो क्यों नहीं कह रहे? वो कुरान पाक पर हाथ रख कर बोले कि मैं उन्हें ब्लैकमेल कर रही हूँ, मेरे साथ उनका कोई रिश्ता नहीं है। मैंने उस इंसान पर इतबार किया, ठीक है, उसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम उठाकर, ठीक है, अपने निकाह में मुझे कबूल किया था। और फिर उसके बाद उसने जो मेरे साथ धोखा किया और जो किया, ये है ना, सबसे पहले उसने ये मुझे गिफ्ट किया था, ये हर टाइम मैं क्यों पहनती हूँ अपनी हर वीडियो में, ये उसने गिफ्ट किया था। और सबसे पहले उसने वुजू करके 2 नफिल खुद अदा किए थे, मुझे पढ़ाए थे, और कसमें मुझसे वादे लिए थे कि तुम तूबा की तरह मुझे छोड़कर नहीं जाओगी, तुम मुझसे बेफाई नहीं करोगी। और उसने कहा था कि तुम्हारी पूरी लाइफ पड़ी है एक्टिंग के लिए, तुम एक्टिंग नहीं करोगे। सबसे बड़ी बात, मैं जब भी कराची जाती हूँ, कराची से मुझे यहाँ पर वापस क्यों भेजा जाता है? आपकी रिलेशनशिप कितना अच्छा रही है?